धरती जखे रंगी रंगीलो रस भरू प्यारो राज सीता प्यारो राज सीता प्यारो ही दूसता। Hey guys, what's up? I am Saurav Rajput of Fair Adventure. Good afternoon from capital of Karnataka, बेंगलोर। सो पेश है एक और नया सफर, एक और नई बस जर्नी, और आज की जो बस जर्नी है ना वो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि आज मैं करने वाला हूँ इंडिया की सेकंड लॉन्गेस्ट बस जर्नी। तो इंडिया की सबसे लंबी बस जर्नी भी मैंने करी हुई है जयपुर से बेंगलोर, उसका डिस्टेंस था करीबन 2300 किलोमीटर। और थर्ड लॉन्गेस्ट बस जर्नी मैंने करी हुई है, जो मैंने करी थी बेंगलोर से जोधपुर की, उसका डिस्टेंस था 1950 यानी 1950 किलोमीटर। आज बारी है इंडिया की सेकंड लॉन्गेस्ट बस जर्नी की, जो कि होने वाली है यहाँ कैपिटल ऑफ कर्नाटक बेंगलोर टू जैसलमेर राजस्थान की बजरंग ट्रेवल की स्लीपर बस में। तो इस जर्नी को करने में हमें लग जाने वाले हैं 3 दिन, डे 1 आज और डे 2 कल और डे 3 परसों। आर के हिसाब से देखेंगे तो 41 आर इस जर्नी को कंप्लीट करने में हमें लग जाने वाले। जर्नी डिस्टेंस की बात करें बेंगलोर से जैसलमेर की, तो डिस्टेंस रहने वाला है करीबन 2050 यानी 2050 किलोमीटर। बस यहाँ से रवाना होगी जय बजरंग ट्रेवल के ऑफिस से 3:45 पे, जैसलमेर हमें छोड़ देगी परसों सुबह 8:30 बजे। टाइम तो यही शो कर रहा है, बाकी देखते हैं कि भाई साहब कितने बजे पहुंच पाते, क्योंकि लॉन्ग रूट पे बसेस ना अक्सर थोड़ा बहुत लेट हो जाती है। वैसे मैं हूं अभी मौजूद आनंद राव सर्कल पे, और भाई साहब यहां खड़े हो जाइए, फिर देखिए शो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बसेस का, वॉल्वो का, स्कैनिया का, मर्सिडीज का और ऑर्डिनरी बसेस का। तो अगर आप बस लवर हो तो आनंद राव सर्कल तो भाई साहब आपके लिए जन्नत है बिल्कुल। और बाकी बात करें बेंगलोर की, तो काफी शानदार बस के रूट यहाँ से शुरू होते हैं, बहुत वैरायटी के बस रूट यहाँ से आपको देखने को मिल जाएंगे। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ का जो स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है यानी KSRTC, उन्होंने वॉल्वो 9600 जैसी लग्जूरियस बस अंबारी उत्सव अपने बेड़े में शामिल करी हुई है। तो आप सोच सकते हो कि बसेस का क्रेज़ यहाँ पे कितना और बसेस के रूट यहाँ पे कितने ज़्यादा। इवन दुनिया भर के प्राइवेट ऑपरेटर हैं जो डिफरेंट डिफरेंट रूट पे यहाँ से बस ऑपरेट करते हैं। कभी कभी तो मन करता है कि यहाँ कुछ दिन के लिए रूम रेंट पे ले लो और फिर अनलिमिटेड बस जर्नी यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट रूट पे करते जाओ। और जितने शानदार बस के रूट यहाँ से शुरू होते हैं ना, उतना शानदार ये शहर खुद भी है। क्या खूबसूरत शहर है यार, मौसम जो है ना यहाँ 12 महीना बहुत ही ज़्यादा शानदार रहता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे गर्मी नहीं होती, लेकिन गर्मी में भी ना यहाँ पे रात को बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी वाइब आपको फील करने को मिल जाती है। तो शहर बहुत ज़्यादा शानदार है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी है यहाँ पे, और इसको गार्डन सिटी भी आप बोल सकते हो, क्योंकि जगह जगह पे आपको ब्यूटीफुल गार्डन भी देखने को मिल जाते हैं। तो कल रात को मैं यहाँ पे आया था और गोस्ट ऑफ बेंगलोर में ठहरा हुआ था, ठीक ठाक रेट पे वहाँ पे डॉम्स रूम अवेलेबल है, 300-400 मैक्सिमम, इतने में डॉम रूम आपको आसानी से मिल जाता है। और आपको बता दूँ अगर आप गोस्ट ऑफ आ रहे हैं तो गोस्ट ऑफ बिल्कुल मेजेस्टिक के पास पड़ता है, मेजेस्टिक बस स्टैंड के, और वहाँ पे एक रेस्टोरेंट है वृंदावन करके उसका नाम है। भाई साहब क्या शानदार साउथ इंडियन फूड वो बनाते हैं, तो कभी आप मेजेस्टिक के आसपास हो तो वहाँ पे खाना ट्राई कर सकते हो। आई गेस सेकंड क्रॉस रोड गांधीनगर पड़ता है शायद वो एरिया। तो मेन बात है कि मैं यहाँ से करने वाला हूँ आज बस में बोर्ड और निकलने वाला हूँ जैसलमेर की तरफ, लेकिन आपको पता है कि आपको कहीं नहीं निकलना होता, क्योंकि मैं आपके सामने पेश करने वाला हूँ एक और बेहतरीन बस जर्नी फ्रॉम कैपिटल ऑफ कर्नाटक बेंगलोर टू जैसलमेर राजस्थान की। Got that sweet juice, Minute Maid, summer vibe, that lemonade. Take a sip, blowing purple clouds, tastes like lemon haze. Conversations back and forth like damn, we could go on for days. Looking back at it like damn, she bad when she walk away. Here we go, been down this road, they already know. When we go on tour, I'll take you anywhere you wanna go. People talk about us like they understand just what this is. तो जी फाइनली बस में बोर्ड कर लिया है, बस का इंटीरियर देखो यार क्या शानदार है। ऊपर से जो बस में ये लाइटिंग करी हुई है ना, कितनी ज़बरदस्त लग रही है, मतलब राजस्थान की बस हो और ऐसी चमक धमक भरा इंटीरियर ना हो तो भाई ये हो नहीं सकता। लेकिन इस बस का इंटीरियर ना काफ़ी शानदार है, सच में जो लाइटिंग है ना बहुत ज़बरदस्त लग रही है। 2x1 का स्लीपर बर्थ कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिल जाता है, 2 स्लीपर बर्थ इधर, 1 स्लीपर बर्थ इधर, सेम ऊपर भी और सेम नीचे भी। बाकी स्लीपर बर्थ आप अंदर से देख सकते हो, बैक रेस्ट यहाँ पर आपको मिल जाता है, AC के डोर्स मिल जाते हैं, कर्टेन्स उधर दिए गए हैं, इधर भी कर्टेन है, उसके साथ में शटर भी है, तो शटर बंद करके आप प्राइवेसी मेंटेन कर सकते हैं। शटर नहीं लगाना तो कर्टेन भी लगा सकते हैं ताकि थोड़ी बहुत हवा भी क्रॉस होती रहे। और
उधर ऊपर चार्जिंग सॉकेट आपको देखने को मिल जाते हैं। पिलो यहाँ पे दिए गए हैं और बाकी बर्थ का कंफर्ट अभी तो ठीक ठाक लग रहा है, कॉजी सा है, बाकी जब इस पर बैठ जाएंगे तब कंफर्ट ज़्यादा पता चल पाएगा। सीसीटीवी की सर्विलेंस आपको देखने को मिल जाती है सामने। इसके अलावा आपको बैठने के लिए सिटिंग अरेंजमेंट भी यहाँ पे दिया गया है, जिसमें कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आपको बैठने वाली सीट देखने को मिल जाती है। उसके अलावा बाकी सारी स्लीपर बर्थ हैं। कितनी है अभी वो मैं आपको काउंट करके स्क्रीन पे शो कर दूंगा, क्योंकि अभी मैंने काउंट नहीं करी है। बाकी जो बस बिल्ड करी है वो बिल्ड करी है जसवंत इंडस्ट्रीज ने। बाकी इधर हमारे साथ बस का कोई स्टाफ मौजूद है। क्या नाम है सर? ड्राइवर साहब आपका, कितने साल हो गए आपको गाड़ी चलाते हुए? 22 साल। अच्छा सर, आपका नाम? मेरा नाम प्रेम चौधरी है। प्रेम चौधरी, आप क्या मैनेज करते हो, क्या देखते हो? मैं बैंगलोर ऑफिस मैनेजर हूं। अच्छा, और आपका नाम सर? राजेंद्र भट्टा। आप क्या मैनेज करते हो? बालाजी ट्रैवल। अच्छा, आप बालाजी ट्रैवल के करता धरता हो, उसका काम देखते हो। और सर आप? किशन लाल। आप क्या मैनेज करते हो बस में? अच्छा, आप कंडक्टर का काम करते हो। तो ये कुछ हमारा स्टाफ है जय बजरंग ट्रैवल्स का। अच्छा, अपने ड्राइवर कितने रहते हैं पूरे रूट पे? दो ड्राइवर जी। दूसरे ड्राइवर साहब का क्या नाम है? बाकर सिंह जी। अच्छा, वो सो रहे हैं अभी जी। चलो उनको आगे दिखा देंगे। नाइट ड्यूटी है आज निकलेगी गाड़ी। तो जी, टाइम हो गया 3:50 और अपनी बस रवाना हो चुकी है। वैसे मेरी जो स्लीपर बर्थ है वो अपर स्लीपर बर्थ है, शायद थर्ड नंबर की है, ये देख लो। और बाकी ये सामने डबल स्लीपर बर्थ। बस के रूट की अगर बात करें तो 4 स्टेट्स हम कवर करने वाले हैं, कर्नाटका जिसमें अभी हम हैं, उसके बाद महाराष्ट्र, गुजरात एंड देन राजस्थान। कंप्लीट रूट की बात करें तो बेंगलोर, तुमकुरु, चित्रदुर्ग, हुबली, बेलगावी, उसके बाद पहुंचेंगे कोल्हापुर, सतारा, पुणे, मुंबई, वापी, उसके बाद सूरत को करेंगे बाईपास, पहुंचेंगे भरूच, देन वडोदरा, अहमदाबाद, बाड़मेर एंड देन जैसलमेर। और बाकी इन सभी सिटीज के अलावा जितनी भी सिटीज आएंगी मैक्सिमम सिटीज में कवर करने की कोशिश करूंगा। सिटीज तो मैं कवर कर लूंगा, लेकिन आपको कवर ये करना है कि आपको कमेंट करके ये बताना है कि भाई साहब जो सिटीज पढ़ रहे हैं आप उनमें से किससे बिलोंग करते हैं और वो सिटी किस किस चीज़ के लिए फेमस है, क्या खाने के लिए फेमस है, किस लोकेशन के लिए फेमस है। तो ये काम आपको जरूर करना है। और दूसरा काम आपको ये करना है कि वीडियो को लाइक आपको जरूर करना है, उसके अलावा तीसरा काम करना है शेयर, और चौथा काम करना है चैनल को सब्सक्राइब करने का। क्योंकि देखो यार, इतनी दूर दूर आते हैं, मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है, पैसा बहुत ज़्यादा खर्च होता है इतनी लंबी लंबी बस जर्नीज बनाने में। तो देखो यार, थोड़ा सा सपोर्ट तो बिल्कुल अपन को भी मांगता है। तो देखो, बस अभी अपनी रुकी है यशवंतपुर, ये भी एक बोर्डिंग पॉइंट है। यहाँ से कुछ लगेज बस में लोड किया गया और कुछ पैसेंजर भी यहाँ से चढ़े हैं बस में। तो इसके अलावा जितने भी बोर्डिंग पॉइंट होंगे ना बेंगलोर से, वो सारे स्क्रीन पे शो कर दूंगा। बाकी ये जो बस आप सामने देख रहे हो एमआर ट्रैवल की, ये भी यहाँ बेंगलोर से जाती है जैसलमेर। और ये सामने देखो, बेंगलोर मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की सिटी बस। बाकी आपको बता दूं, ये जो बस है ये टाटा के चेसिस पे बिल्ट है, और जसवंत इंडस्ट्री, जैसे मैं आपको बता रहा था, उन्होंने बॉडी बिल्ड करी। बाकी बात करें इस जर्नी के दौरान हमें लगने वाले फेयर की, तो वो मैंने पे करा है 3,000 रुपीज़। बाकी जो फेयर होता है डायनेमिक होता है, घटता बढ़ता रहता है, तो आप ये पकड़ के मत चलना कि यार आज 3,000 है तो कल भी 3,000 रहेगा। हो सकता है कम भी पड़ जाए, हो सकता है ज़्यादा भी पड़ जाए। बस की टिकट आप बुक कर सकते हैं बजरंग ट्रैवल की ऑफिशियल वेबसाइट से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और स्क्रीन पे भी शो कर दूंगा। इसके अलावा रेड बस, यात्रा, अभी बस, पेटीएम, दुनिया भर के लीडिंग प्लेटफॉर्म पे इनकी बस की टिकट अवेलेबल है। और कोशिश करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में भी आपको किसी ऑफिशियल पर्सन का नंबर दे दूं, जिसको कॉल करके आप टिकट बुक करवा सके। सो टाइम इज 4:56 PM और वी आर अबाउट टू रीच नीलमंगला टाउन, और फाइनली बेंगलोर अर्बन से अभी हम बाहर आ चुके हैं। आप कहाँ पे जा रहे हो? राजस्थान। राजस्थान में कहाँ पे? कहाँ पे? अच्छा, क्या नाम है आपका? विक्रम। तो जी, टाइम हुआ है 5:20, बस रुकी है डोबस पेट नाम की जगह पे। बेसिकली 10 मिनट का यहाँ पे और लिया गया फ्रेश वगैरह होने के लिए और मेन डीजल फ्लिप करने के लिए। तो अभी 10 मिनट का यहाँ ब्रेक है, फ्रेश वगैरह हो लेते हैं, इतने बस यहाँ पे डीजल फिलअप करेगी, फिर उसके बाद जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। अच्छा ड्राइवर साहब, एक बात बताओ, पूरी जर्नी के दौरान एक साइड से कितने का डीजल लग जाता है? जाने का 60,000, आने का 60,000। अच्छा, मतलब 1,20,000 आने जाने दोनों का? 20,000 टोल टैक्स। अच्छा, 20,000 टोल टैक्स अलग से, आना जाना दोनों। तो लास्ट टाइम जब मैं बेंगलोर से जोधपुर गया था ना, तब भी आई गेस यहीं पे बस रुकी थी रात को डीजल फिलअप करने के लिए। और बाकी यहाँ से नज़ारे चेकआउट करो, देख रहे हो क्या शानदार
हरे भरे पहाड़ियों वाले नज़ारे यहाँ से देखने को मिल रहे हैं। एक बात तो है, कर्नाटका में ना यार ये जो पहाड़ियों वाले नज़ारे हैं, जो हरे भरे नज़ारे हैं, बहुत ही ज़्यादा दिल को खुश कर देते हैं। टाइम हुआ है 5:50 और बस अभी पहुंची है तुमकुरु। खाना भी इधर लगवा लिया। ये देखो, ये इधर अपने ड्राइवर साहब बैठे हैं। ड्राइवर साहब ने बोला कि चलो हमारे साथ खाना खाओ सर, तो बस यहाँ पे आ गए। और देखो क्या देसी स्टाइल में खाना चल रहा है। एक खाट वाट यहाँ पे लगी हुई है, उधर देखो हमारे कंडक्टर साहब हैं, दूसरे ड्राइवर साहब हैं, तो खाट वाट लगी है फट्टे पे। मतलब ऐसे रोटी वोटी रख के खा रहे हैं, फुल गाँव वाली फीलिंग, फुल देसी वाली फीलिंग आ रही है मतलब। तो रोटी है, दाल है, बाकी प्याज की सब्जी है, सैलड है, उधर भी अरहर की दाल भी है। तो चलिए जी खाना खाते हैं और देखते हैं कि खाना कैसा है। ड्राइवर साहब, इसका रेस्टोरेंट का नाम क्या है, इसका ढाबे का? जय भवानी होटल। जय भवानी, और चित्रदुर्ग है क्या? चित्रदुर्ग। अच्छा, चलिए जी खाना वाना खाते हैं और देखते हैं। राजस्थान जोधपुर के रहने वाले हैं। अच्छा अच्छा, मतलब राजस्थानी ढाबा है ये? राजस्थानी। अच्छा चलिए जी, राजस्थानी टच खाने में देखने को मिल ही रहा है। तो चलिए खाना खाते हैं और देखते हैं कि खाना कैसा है। तो जी हमारे साथ एक साहब मौजूद है जिनका ये होटल है। कैसे हो सर? बस बढ़िया है साहब। अच्छा, आप भी राजस्थान के हो? जी जोधपुर के ही है। अच्छा, जोधपुर से आगे इतनी दूर आके आप फंस गए हैं। कैसा लगता है फिर यहाँ पे? बढ़िया, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो ठीक है बिल्कुल। और वैसे पूरा देसी टच दे रखा है आपने ढाबे को ना, मतलब जैसे राजस्थानी टच होता है ना, देसी थोड़ा सा पूरा राजस्थानी टच रखते हैं। राजस्थानी टच था खाने में, देसी खाना बढ़िया लगा। चलो सर, धन्यवाद बहुत बहुत आपका। वैसे आपको बता दूं कि तुमकुरु के बाद सीधा और हिरियो क्रॉस करके हम पहुंचे थे चित्रदुर्ग, जहां पे अभी हमने खाना भी खाया और अभी हम पहुंचने वाले हैं दावनगरे। तो इधर हमें मिल गए एक सब्सक्राइबर, सब्सक्राइबर कम हमारे भाई ज्यादा छोटे भाई, क्या हाल है भाई? बस बढ़िया है। स्पेशली हमसे मिलने आया है, जगह कौन सी है? मोटे बेनूर, हवेली पास है ना यहाँ से? हाँ, तो भाई का घर यहाँ पे पास में ही है। जब भी बैंगलोर आता हूँ भाई एक ही बात बोलते हैं, मिलने कब आओगे? इनविटेशन दे रखा कि भाई आओ कभी और घर पर रुक के जाओ। चलो कोई बात नहीं भाई, नेक्स्ट टाइम आएंगे आपके यहाँ रुकेंगे, फिर आराम से घुमाना। चलो ठीक है, मिलते। वैसे आप राजस्थान की हो ना? राजस्थान में कहाँ से हो? बाड़मेर। तुझे टाइम हुआ है 11:08 और बस अभी पहुंची है हुबली। बस बता दूं कि हुबली को कमर्शियल हब भी माना जाता है कर्नाटका का, और इसको छोटा मुंबई के नाम से भी जाना जाता है। तो रात में हम क्रॉस कर लेंगे कर्नाटका के बॉर्डर को और एंटर कर जाएंगे महाराष्ट्र के बॉर्डर में। तो अभी मुझे आ रही है बहुत तगड़ी वाली नींद, तो मैं तो अभी सोऊंगा। वैसे आपको बता दूं, जर्नी चल रही है NH-48 पे, देश के सबसे लंबे दूसरे नेशनल हाईवे पे, जो कि जाता है चेन्नई से दिल्ली। तो चलिए जी, नींद बहुत जोर की आ रही है, सोते हैं और सुबह आपसे सीधा मिलते हैं महाराष्ट्र में। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग फ्रॉम महाराष्ट्र। तो टाइम हो रहा है 6:15 और अभी हम पहुंचे हैं वर्वे नाम की जगह पे। पुणे यहां से करीबन 30 किलोमीटर के आसपास है, और रात को हुबली क्रॉस करने के बाद हम पहुंचते हैं बेलगावी, उसके बाद हम एंट्री करते हैं महाराष्ट्र के बॉर्डर में, और फिर वहाँ से कोल्हापुर सतारा क्रॉस करके अभी हम पहुँचे हैं वर्वे, और पहुँचने वाले हैं यहाँ से
सुकून है। तो यहाँ पे ढाबे पे करीबन 20 से 25 मिनट का ब्रेक लिया गया है और बाकी यहाँ के जो नज़ारे हैं ना भाई शानदार, क्योंकि वेस्टर्न घाट जो है ना अब दिखाई देने शुरू हो चुके हैं। ये देख रहे हो क्या शानदार वेस्टर्न घाट वाले नज़ारे यहाँ से देखने को मिल रहे हैं। देखो ये सामने कुछ रेस्टोरेंट है जिसका नाम है होटल नीलकमल, बस वगैरह खड़ी हुई इसलिए ठीक से आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो जी सारा स्टाफ यहाँ पे बैठ के अभी ब्रेकफास्ट कर रहा है। ये देखिए पूरी भाजी यहाँ लगी हुई है, हलवा है, उपमा है, पोहा है, दही है। तो चलिए नाश्ता करते हैं। तो जी टाइम हुआ है अभी 6:58, 6:58 AM इन द मॉर्निंग और बस पहुंच गई है अभी पुणे। कौन से फिल्म स्टार का घर है कंडक्टर साहब यहाँ पे? धर्मेंद्र है ना, धर्मेंद्र सन लेवल के पिता। अच्छा जी, उनका यहाँ पे लोनावला से पहले लोनावला में रहते वो। अच्छा जी। तो जी बस रुकी है अभी जस्ट लोनावला से जस्ट पहले, एक्चुअली किसी पैसेंजर को ऑन रोड इमरजेंसी पड़ गई, टॉयलेट को जाना था इसलिए बीच में यहाँ पे बस रोकी गई। और भाई साहब यहाँ के जो नज़ारे हैं ना, अभी लोनावला शुरू भी नहीं हुआ और नज़ारे भाई अल्टीमेट। तो टाइम हो गया 8:15 और बस अभी पहुँच गई है लोनावला। और बात करें लोनावला की तो यार क्या खूबसूरती है, हिल स्टेशन है लोनावला, खंडाला, इवन आप इसकी खूबसूरती का अंदाज़ा इस बात से भी लगा सकते हो कि जितने भी फिल्म स्टार मुंबई वगैरह में रहते हैं उनके यहाँ पे भी फार्म हाउस आपको देखने को मिलेंगे। और बाकी यहाँ की यानी इस मुंबई पुणे स्ट्रेच की ना काफ़ी सारी मानसून वाली वीडियोज़ मैंने यूट्यूब पर देखी हैं, तो भाई मानसून के टाइम पर तो यहाँ के नज़ारे कुछ अलग ही लेवल के हो जाते हैं। तो अगर आप में से किसी ने मानसून के टाइम पर मुंबई से पुणे इस वेस्टर्न घाट वाले पैच पे अगर जर्नी करिए तो कमेंट करके बताओ कि कैसे नज़ारे मानसून के टाइम पे यहाँ पे होते हैं। और वो देखो ऊपर एक मॉन्यूमेंट नजर आ रहा है, कोई टेंपल नजर आ रहा है नवी मुंबई में, भी कमेंट करके मुझे बताओ कि ये कौन सा टेंपल या फिर मॉन्यूमेंट है। क्या बात है जी, रेस लगी है मुंबई की लोकल ट्रेन और हमारी बस के बीच में। अभी ऑब्वियस ये बात है कि ट्रेन को जीतना है भाई। और वो जो ब्रिज देख रहा हो ना ट्रेन का, उसके नीचे ठाणे क्रीक जिसकी सीमाएं आगे जाके कहीं ना कहीं मिल जाती हैं अरेबियन सी में। सो जी नवी मुंबई क्रॉस करके हम पहुंच गए हैं अभी मुंबई में। सो वेलकम ऑल ऑफ यू टू मुंबई। तो हाँ जी मुंबई वालों कैसे हो आप सब? सब बढ़िया, फर्स्ट क्लास बढ़िया चल रहा है सब कुछ। तो जो कोई भी मुंबई से वीडियो देख रहा है कमेंट सेक्शन में अपनी हाजिरी दे दो। वैसे आपको बता दूं कि अभी हम पहुंच गए हैं मुंबई में चेंबूर में। तो जी टाइम हुआ है 10:35 और बस पहुँच गई है सायन। आपको याद होगा जब हमने शर्मा ट्रांसपोर्ट की वॉल्वो 9600 में सफ़र करा था तो हम यहीं सायन में उतरे थे, क्योंकि मुझे सायन रेलवे स्टेशन जाना था जो कि उधर की साइड है। तो मेन बात है कि अभी सायन पहुंच गई है और अभी तो यार शहर में जाम वाम लगाओ, बड़ी मुश्किल में मुंबई के जाम से लड़ते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। और पैसेंजर्स वगैरह की यहाँ पे डीबोर्डिंग है, वो डीबोर्ड करेंगे फिर सफ़र को करेंगे कंटिन्यू। टाइम इज़
11:47 AM और फाइनली हम बाहर आ चुके हैं मुंबई से और करीबन 9:44 पे हम मुंबई में एंटर हुए थे। नवी मुंबई की बात नहीं कर रहा हूँ, मुंबई की बात कर रहा हूँ, नवी मुंबई से मुंबई में 9:44 के आसपास एंटर करें तो करीबन 2 घंटे हमें मुंबई सिटी में ही लग गए। आप सोच सकते हो कि कितना जाम मुंबई में इस टाइम पे था। और वैसे आप जो सामने देख रहे हो ना, इसको बोलते हैं वसई क्रीक। तो टाइम हुआ 12:50, बस अभी रुकी है लंच हॉल्ट के लिए। विलेज का नाम है हलोली, डिस्ट्रिक्ट है ठाणे, महाराष्ट्र। और भाई साहब क्या ज़बरदस्त गर्मी हो रही है यहाँ पे। कल कर्नाटक में तो बहुत बढ़िया मौसम हो रहा था क्योंकि बरसात रुक के हो रही थी, इस वजह से जो मौसम था ना बहुत बढ़िया बना हुआ था। लेकिन आज महाराष्ट्र में तो कोई बरसात का नामो निशान है नहीं, इस वजह से धूप है ना बहुत कड़क निकल रही है, बहुत गर्मी हो रही है। और खासकर जब एसी से बाहर निकले ना तो धूप और ज़्यादा लग रही है। बाकी रेस्टोरेंट का नाम क्या वो तो पता नहीं क्योंकि बस वगैरह आगे खड़ी हुई है, स्क्रीन पर आपको शो कर दूँगा। तो मेरा तो खाना खाने का मन अभी कर नहीं रहा है क्योंकि सुबह अच्छा खासा ब्रेकफास्ट कर लिया था और उसके बाद जब सायन मुंबई में बस रुकी थी ना तो वहाँ पे चाट पकौड़े कुछ खा लिए थे। तो ये मेन बात है कि खाना खाने का मन नहीं कर रहा है। बाकी ढाबे की बात करें तो एक टिपिकली राजस्थानी ढाबा है, अंदर अच्छी खासी बैठने की अरेंजमेंट, अभी खाना कैसा वो तो मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि मैं यहाँ पे नहीं खाने वाला हूँ। तो बाकी पैसेंजर अभी खाना खाने गए हैं, जैसे वो खा के आएंगे फिर सफ़र को करेंगे कंटिन्यू। तो जी टाइम हो गया 2:40 और हम पहुंच गए हैं महाराष्ट्र के बॉर्डर पे। क्या दिखाने गए थे कंडक्टर साहब अभी बॉर्डर पे? अच्छा, गाड़ी के डॉक्यूमेंट यहाँ पे दिखाने पड़ते हैं। सर दिखा दिए? हाँ सर। चलो जी, गाड़ी के पेपर दिखा दिए और अभी महाराष्ट्र बॉर्डर से हम निकल गए हैं गुजरात की ओर। फाइनली हम पहुंच गए हैं गुजरात में, सो वेलकम ऑल ऑफ यू टू गुजरात। हालांकि पहुंच तो पहले ही गए थे, महाराष्ट्र बॉर्डर क्रॉस करके गुजरात में एंट्री कर ली थी लेकिन आपका वेलकम करना हम भूल गए थे। तो हाँ जी गुजरात वालों, कैसे हो आप सब? सब बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो जो भी गुजरात से वीडियो देख रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट करके बता दो। बाकी बस अभी यहाँ रुकी है, एक्चुअली बस में कुछ लगेज वगैरह का कुछ तो भी काम है, अभी कन्फर्म नहीं है तो उस वजह से बस यहाँ पर रुकी है। बाकी जो नेशनल हाईवे आप देख रहे हो ये है NH-48 जिसको हम कंटिन्यू करेंगे अहमदाबाद तक और फिर अहमदाबाद से निकल जाएगा दिल्ली और हम निकल जाएंगे जैसलमेर। तो चलिए यार बस के अंदर चलते हैं क्योंकि यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है। अभी मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे इतनी गर्मी हो रही है, जैसलमेर पहुँचते पहुँचते क्या हाल होने वाला है क्योंकि राजस्थान में और ख़ासकर जैसलमेर में तो यार ज़बरदस्त गर्मी होने वाली है। टाइम हुआ 4:40, बस ने लिया है अभी एक छोटा सा हॉल्ट 20 मिनट का नाश्ता पानी करने के लिए और फ्रेश होने के लिए। तो चलिए जी अंदर चलते हैं क्योंकि धूप यहाँ पे बहुत जोर शोर से हो रही है और भूख भी बहुत जोर शोर से लग रही है क्योंकि दिन में कुछ खाया नहीं था तो अभी पेट में ना चूहे खोल रहे हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं। कौन सी लोकेशन है ड्राइवर साहब? अच्छा नवसारी से पहले रुकी है तो इधर नाश्ते पानी के लिए बस बेसिकली रुकी गई है। तो ये देखो इधर पकौड़े वगैरह लगवाए हैं ड्राइवर साहब ने और इधर है ढोकले जैसा कुछ। ढोकले ये क्या है? खमन। तो ढोकला और ढोकला भी तो ऐसे ही होता है, वो साइज में थोड़ा बड़ा होता है। तो ये देखो ये कुछ ऐसा लगवा रखा है। चलिए जी इसको खाते हैं नाश्ते को क्योंकि 10-15 मिनट के रुकी ना यहाँ पे। हाँ तो 15 मिनट के रुकी तो नाश्ता वाश्ता कर लेते हैं। तो
जैसे ही नाश्ता करके बाहर निकला ना, एक मिनट भी हिम्मत नहीं बाहर करने, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा हो रही थी। अभी बस में आया हूँ तब जाके थोड़ा सा आराम मिला जब एसी के नीचे बैठो। बाकी नवसारी अभी हमने क्रॉस कर लिया है। और बात करें रेस्ट स्टॉप की, तो रेस्ट स्टॉप पे साफ़ सफाई बढ़िया थी, और रेस्ट स्टॉप के जो वॉशरूम थे ना वो एवरेज साफ़ सफाई के मामले में थे, और खाना जो था मतलब जो नाश्ता था वो बढ़िया था। तो अक्सर आप मेरे से ये क्वेश्चन पूछते हो कि लंबी जर्नी के दौरान रेस्ट स्टॉप कैसे होते हैं, वहाँ की साफ़ सफाई कैसे होती है, वॉशरूम्स वगैरह की साफ़ सफाई कैसे होती है, फिर वहाँ का खाना कैसा होता है। तो देखो, इस चीज़ को लंबी जर्नी के दौरान पूरा डिटेल में दिखाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता है। फॉर एग्जांपल अगर जर्नी 10, 12, 15 घंटे की है तो मैं आपको अच्छे से बता सकता हूँ, लेकिन जब जर्नी कम से कम 40, 42 घंटे की है, तो डिफरेंट डिफरेंट रेस्टोरेंट पर रुकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जगह खाना खाते हैं, तो वो सारी चीज़ें पूरा डिटेल में दिखाना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो मैं एक चीज़ आपको ये बता दूँगा, कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि खाना बहुत ज़्यादा अच्छा है, वॉशरूम साफ़ सफाई नहीं है, कहीं पे ऐसा होता है कि वॉशरूम साफ़ है लेकिन खाना बढ़िया नहीं है, कहीं पे रेस्ट स्टॉप साफ़ सुथरे नहीं होते लेकिन वॉशरूम साफ़ सुथरे होते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये एवरेज आप पकड़ के चल सकते हो। अगर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लेके आप कभी लॉन्ग जर्नी करते हो तो वो चीज़ आपकी फुलफिल नहीं हो सकती। आप देखो, घर जैसी शानों से होकर आराम तो हर जगह नहीं मिल सकता, और बहुत अच्छे अच्छे रेस्ट स्टॉप भी आपको हर जगह पर नहीं मिल सकते। और क्योंकि देखो, गुजरात इंडिया का वेस्टर्न मोस्ट स्टेट है, इसलिए सनसेट यहाँ पे सबसे ज़्यादा देरी से होता है इंडिया में। अरुणाचल में सबसे ज़्यादा जल्दी सनराइज होता है, और यहाँ पे सबसे लेट सनसेट होता है। आप टाइम देख के थोड़ा सा हैरान हो जाओगे। टाइम देखो, टाइम हो रहा है 6:20, और अगर मैं दिल्ली में होता ना इस टाइम पे, अपने होम टाउन में, तो इस टाइम पे तो भाई बिल्कुल शाम हो चुकी होती, सूरज दिखाई नहीं दे रहा होता इस टाइम पे। वैसे आपको बता दूं, नवसारी के बाद कड़ोदरा, कामरेज और अंकलेश्वर को क्रॉस करके अभी हम पहुंचने वाले हैं भरूच, जो कि फेमस है अपने सॉल्टेड पीनट्स के लिए। ये सामने आप जो खूबसूरत सी नदी देख रहे हो ना, ये है इंडिया की 5वीं सबसे लंबी नदी, और वेस्ट फ्लोइंग में सबसे लंबी नदी बोले तो नर्मदा नदी। और लो जी, नर्मदा नदी क्रॉस करते ही हम पहुंच गए हैं भरूच। अंधेरा हो ही चुका है, तो बस केबिन से ये लाइट वगैरह ऑन कर दी गई है। तो देखो, असली जो इस बस की डेकोरेशन है ना, वो रात में पता चलती है, इधर लाइटें, इधर ये बाहर लाइटें रंग बिरंगी सी बढ़िया लगती हैं। इसको खोल के आपको दिखाता हूँ, वैसे तो कल दिखा दी थी मैंने आपको, है ना, लग रही है ना जबरदस्त। टाइम हुआ 8:30, और करीबन 8 बस रुकी थी डिनर होल्ड के लिए। विलेज का नाम था लखोदरा, और पास में ही सिटी मौजूद थी करजन। खाना ठीक ठीक था, रेस्ट स्टॉप की हाइजीन और साफ़ सफाई भी ओके थी। बाकी एक चीज़ तो है, बजरंग ट्रेवल के जितने भी रेस्ट स्टॉप है ना, वो सारे उन जगह पे थे जहाँ पे राजस्थानी फूड सर्व करा जाता, क्योंकि इनका मैक्सिमम जो पैसेंजर्स है ना वो फिक्स हैं और सभी राजस्थानी है, तो राजस्थानी फूड पसंद करने वाले लोग हैं, तो इस वजह से इनके रेस्ट स्टॉप भी सारे राजस्थानी फूड सर्व करने वाले हैं। बाकी रेस्ट स्टॉप पे वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि यार वहाँ पे म्यूजिक बहुत तेज तेज चल रहा था, अगर वहाँ पे आपको मैं कुछ बताने की भी कोशिश करता तो आपको नहीं समझ आने वाला था। सो टाइम इज 9:00, और हम पहुँच गए हैं अभी वडोदरा। वडोदरा के आउटर एंड पे हम चल रहे हैं NH 48 पे, और यहाँ से आगे हम एंट्री कर लेंगे NE 1 यानी नेशनल एक्सप्रेस वे 1 पे, जो कि है वडोदरा अहमदाबाद एक्सप्रेस वे। वडोदरा या फिर अहमदाबाद पहुंच सकते हैं।
सुजी टाइम इज 10:45 PM और मैं पहुंच गया हूं अभी अहमदाबाद। तो काफ़ी देर से नींद को रोक के बैठा हुआ था, सोच रहा था कि जैसे ही अहमदाबाद पहुंच जाऊंगा वैसे ही सो जाऊंगा। तो चलिए अभी सोता हूं और सुबह आपसे मिलता हूं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग फ्रॉम बाड़मेर राजस्थान। सो टाइम हो रहा है सुबह के 6:45 AM और बात कर रहे हैं रात की, तो अहमदाबाद के बाद हम क्रॉस करते हैं मेहसाणा, पालनपुर और धनेरा, और धनेरा नाम की जगह को क्रॉस करके हम एंटर करते हैं राजस्थान में। फिर हम पहुंचते हैं सांचौर और अभी हम पहुंच गए हैं बाड़मेर। सो वेलकम ऑल ऑफ यू टू राजस्थान। तो अभी बस रुकी है यहीं बाड़मेर में, पेट्रोल पंप है। एक्चुअली किसी को वॉशरूम जाना था तो उसके लिए बस यहाँ पर रोकी गई है। और वैसे आपको बता दूं कि हम बॉर्डर एरिया में पाकिस्तान के इतने नज़दीक चल रहे हैं ना कि यहाँ से पाकिस्तान का जो सबसे नज़दीकी गांव है, गांव का नाम तो मुझे पता नहीं, वो 140 किलोमीटर समथिंग यहाँ से बसता है। और जो पाकिस्तान का सबसे नज़दीकी शहर है उमरकोट, वो यहाँ से सिर्फ 200 किलोमीटर है। वैसे आपको बता दूं मैं अभी चल रहा हूं NH68 यानी नेशनल हाईवे 68 पे, जो कि कहीं ना कहीं जाता है प्रांतिज गुजरात से टनौट राजस्थान। और अगर टनौट की भी बात हुई तो टनौट के बारे में आपको बता देता हूं, काफ़ी फेमस है टनौट माता मंदिर के लिए। और जैसलमेर से करीबन 113 किलोमीटर के आसपास तो कहीं ना कहीं पड़ता है और बॉर्डर एरिया में पाकिस्तान के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है टनौट। रंगी रंगीलो रस भरो प्यारो राज थिथा। सामने गाड़ी देखो भाई साहब कैसे खचाखच फुल हो रखी है। टाइम हुआ है 8:20 और मैं पहुंच गया हूं अभी देवी कोट। और जैसलमेर की बात करें तो जैसलमेर यहां से करीबन 40 किलोमीटर के आसपास और बसता है। एक चीज़ मैंने देखी जो ड्राइवर साहब ने भी मुझे दिखाई कि इन्होंने एक अलग से ना यहां पे ये कलेक्शन बॉक्स बना रखा है गौ सेवा के लिए, है ना। और ये आ रही राजस्थान की शान RSRTC, राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। अभी बस बीच में रुकी है, पैसेंजर्स को टॉयलेट वगैरह जाना था। अब यहाँ तो कुछ है नहीं क्योंकि यहाँ पे चारों तरफ रेगिस्तान आपको दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ तो भाई साहब ऑन रोड इमरजेंसी चलती है। देखो भाई पूरा रेगिस्तान, पूरा कंप्लीट डेजर्ट वाला एरिया यहाँ से शुरू हो गया। और ये देखो विंड मिल्स आपको दिखाई दे रही होंगी साइडों में। तो ठीक है ड्राइवर साहब, बहुत अच्छा लगा आपके साथ सफ़र करके और फाइनली जैसलमेर आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से पहुंचा दिया। दूसरे ड्राइवर साहब चले गए आपने? अच्छा सर आपका क्या नाम है? मदन। अच्छा आप भी बजरंग ट्रेवल्स के ऑफिस में बैठते हैं जैसलमेर ऑफिस में। चलो ठीक है सर, दोबारा आएंगे तो फिर कभी मुलाकात करेंगे। सो जी इंडिया की सेकेंड लॉन्गेस्ट बस जर्नी 2050 किलोमीटर की हमारी होती है यहाँ पे समाप्त, क्योंकि मैं पहुँच गया हूँ अपनी ड्रॉपिंग लोकेशन पे जैसलमेर में एयरफोर्स सर्कल पे। टाइम हो रहा है अभी 9:30 और इस टोटल जर्नी को करने में हमें लग चुके हैं 41 घंटे यानी 41 आवर। बाकी ये शहर देखो यार जैसलमेर कितना खूबसूरत है, और जितना खूबसूरत ये शहर है ना उतना खूबसूरत यहाँ का जैसलमेर फोर्ट भी है, जो कि जस्ट मेरे
पीछे मौजूद है यहाँ पे। बाकी जर्नी ठीक ठाक थी और जर्नी के दौरान कोशिश तो मैंने पूरी करी है कि आपको अच्छे से एक एक नज़ारे दिखा पाऊँ। बाकी बहुत बड़ी जर्नी है और काफ़ी सारी चीज़ें मिस भी हो जाती हैं, तो भूल चुक के थोड़ा सा माफ़ करना। और बाकी आप में से काफ़ी सारे लोग ये बोलते हैं कि यार इतनी बड़ी बस जर्नी होती है और उस बस जर्नी में बस में टॉयलेट वगैरह नहीं होता। देखो यार, काफ़ी बार जब मैं जर्नी करता हूँ तो मेरी ऑपरेटर से या फिर बस स्टाफ से बात होती है, तो वो सब ये बोलते हैं कि ये सारे एक्सपेरिमेंट जो है ना वो करके ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन यार उसकी ना मेंटेनेंस हिसाब से नहीं हो पाती क्योंकि लोग उसको काफ़ी गंदा कर देते हैं, तोड़ फोड़ कर देते हैं। तो इस वजह से लॉन्ग रूट वाली बसों में भी यार टॉयलेट देना बंद हो गया। अगर आप देखो उसके अच्छे से रख रखाव करोगे, उसको अपना समझ के यूज़ करोगे, तो बस ऑपरेटर्स को क्या दिक्कत है टॉयलेट देने में। तो चलिए जी, अभी जैसलमेर पहुँच गया, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। बाकी जो जितनी चीज़ थी मैंने आपको जर्नी के दौरान बता ही दी है। तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं रह, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू ऑल। और पता ही खा लिया नहीं जाना होता। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना होता। चलिए जी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।